हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आप व्यू, जो कि चैप्टर थर्ड है। हमने 3.1 जो एक्सरसाइज आपका 3.1 है, उसका 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेंगे। यानी 5 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप 1 से 5 तक के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल बेसिक आपको बताया हूँ। तो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो हम डाल लेते हैं एक्सरसाइज आपका 3.1। ये हो गया और क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन दे रखा है गाइस कि निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हम जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। तो इसमें दिया है पहला, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो जिसमें से पहला है क्वेश्चन 4, 3, x और 5, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है y, z, 1, 5, और इसके बाद जो दूसरा है वह है इसमें x प्लस वाई और 2 है इसके बाद, फिर 5 प्लस जेड, इसके बाद x इंटू वाई। ये तो पहले क्वेश्चन में रहा बराबर। दूसरे क्वेश्चन में दिया है आपका यहाँ से 6, 2, 5, 8। और जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड दिया है। लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये पहले ब्रैकेट में दिया है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है x प्लस जेड, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस जेड, इसके बाद नेक्स्ट दिया y प्लस जेड, लिख लेंगे उसको भी यहाँ पे y प्लस जेड, और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें दे रखा है 9, 5, 7, इसको लिख लेंगे 9, 5, 7। अब गाइस, हमें इसमें एक्स वाई और जेड के वैल्यू को पता करनी है, तो जो पहला है पहले उसको सॉल्व हम कर लेंगे। तो देखिए, जो पहला वो बिल्कुल आसान है, ये है 4, 3, x, 5, और दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है y, z, 1, 5। इससे x और y की वैल्यू हमें आसानी से निकल जाएगी। देखिए, यहाँ से इसके जगह पे क्या है, इसके जगह पे y है, ठीक है, तो y बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, y की वैल्यू 4 निकल गई। अब इसके बाद जेड के जगह पे क्या है, 3 है, तो जेड की वैल्यू 3 निकल गई। और यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, तो ये पहला स्तंभ है, तो ये भी पहला स्तंभ का पहला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ 1 है, तो एक्स की जो वैल्यू है x बराबर 1, तो आपका एक्स की वैल्यू 1 आ गया, जेड की वैल्यू 3 आ गया, और वाई की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिया है x प्लस वाई और 2 है, ठीक है, तो यहाँ से दूसरे को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें x प्लस वाई और यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस जेड, और x इंटू वाई, ये चीज़ हमको मिल गया। और दूसरे कोष्टक में मिल रहा है, देख लीजिए, यहाँ पे दूसरे कोष्टक में 6, 2, 5 है,
यहाँ पे राइट कर लेंगे 6258, ये हो गया। अब देखिए इसकी बात करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर क्या दिया है यहाँ पे 6, तो इसको लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल 6। इसके बाद यहाँ पे 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया है, इसकी जगह पे इसको भी लिख लेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5। इसके बाद नेक्स्ट दिया है x इंटू वाई बराबर 8, x इंटू वाई बराबर 8। अब देखिए पहले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये है पहला और ये है दूसरा और ये है तीसरा। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6, ये पहला है। इसके बाद x बराबर 6 माइनस वाई, यानी कि ये y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको इसी तरह हम रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर दूसरा को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस जेड इक्वल 5। अब यहाँ से 5 प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, ये दोनों कट जाएंगे तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 0। तो जेड की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए ये जो तीसरा है, तीसरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा एक्स इंटू वाई इक्वल 8। एक्स इंटू वाई इक्वल 8 हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा इस यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल रखा है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इस एक्स की जगह पे रख देंगे, तो आइए रख लेते हैं। तो एक्स की जगह पे क्या है 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे 6 माइनस वाई इसके बाद इंटू वाई इक्वल 8, ये कंडीशन बन गया। इसके बाद गाइस करते क्या है, इस y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 6y माइनस माइनस है यहाँ पे, y का y में कर देंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8, ठीक है, ये हो गया। अब इस कंडीशन के लिए हम करते क्या है कि 8 को अपने जगह पे रहने देते हैं, ठीक है, और इसको पसांतर कर कर इधर लाते हैं, तो ये माइनस में है इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो ये उस पर गया तो ये बन गया आपका, यहाँ पे लिख लेंगे इसको 6y माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए ये उस पर जाएगा तो कौन सी कंडीशन बन जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी ये माइनस में उस पर गया तो प्लस में, फिर इसके बाद ये प्लस में उस पर गया तो माइनस में 6y, और इसके बाद ये अपने जगह पे तो प्लस 8 बराबर, इधर से सब कुछ चला गया तो 0 बचा। अब गाइस देखिए ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा कि हमें इस 8 का ऐसा जोड़ घटाना गुणा भाग करना है कि गुणा करने पर 8 है, जोड़ने या घटाने पर मध्यपद के बराबर आना चाहिए। यदि हम 4 × 2 बराबर 8 लिखें और यहाँ पे हमने गुणा करने पर 8 आ गया, अब इसको जोड़ने या घटाने पर मध्यपद 6y के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसको ये 6y तो है तो 4 + 2 बराबर 6 हो जाएंगे, लेकिन ये -6y है तो इसको -4 और -2 बराबर -6, ठीक है गाइस, ये हो गया। तो इस समीकरण को इस तरह सॉल्व करेंगे, ये हो गया y का स्क्वायर माइनस माइनस, अब इसको रख देंगे, ठीक है, अब इसको आप रखेंगे तो ये है -4y, वाई का दोनों के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, -2y और +8 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से y इन दोनों में है तो y को हम क्या कर लेंगे, कामन ले लेंगे, कामन लेने पे हमको बचता क्या है y -4। इसके बाद यहाँ पे -2 को कामन ले लेते हैं तो बचता क्या है y प्लस 2 × 8 4, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि -2 है, -2 का
प्लस एट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, भाग दे, जिसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्लस आठ बटे के माइनस दो, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस फोर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस फोर। ये कंडीशन हो गया। अब वाई माइनस फोर इसमें भी है, वाई माइनस फोर इसमें भी है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कामन ले लेंगे। तो वाई माइनस फोर को जब हमने कामन लिया तो बचा क्या दूसरे कोष्टक में, वाई माइनस टू, यहाँ पे वाई बचा और यहाँ पे माइनस टू, ये कंडीशन आया। अब देखिए इसके बराबर जीरो है, तो यहाँ से y माइनस फोर यानी y माइनस फोर बराबर जीरो रखें तो y की वैल्यू यानी y को इस पर प्रशांतर कर देंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, निकल कर फोर आ जाएगा, चार। और यहाँ पे दो कंडीशन बनती है देखिए y की वैल्यू की, एक तो चार आ गया और एक यहाँ पर भी इस कोष्टक के लिए भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि y माइनस दो बराबर जीरो और y बराबर क्या हो गया, दो। तो एक बार इसको आप रख सकते हो निकाल कर और एक बार इसको, तो y बराबर चार रख कर देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम y बराबर चार इस कंडीशन में रख कर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला था x बराबर छ माइनस वाई। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। तो x बराबर छ माइनस वाई, कुल मिलाकर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना है। वाई की वैल्यू हमने कितना निकाला, यहाँ पे फोर निकाल दिया है, ठीक है। तो पहले फोर को रखेंगे उसके बाद दो को रखेंगे, दोनों कंडीशन आप समझ लीजिएगा। तो यक्स बराबर छ माइनस चार, तो यक्स बराबर आ जाएगा दो इस कंडीशन में, ठीक है। जब यक्स बराबर हम वाई बराबर कितना रख रहे हैं, फोर। अगर यहीं पर वाई बराबर हम कितना रखें, टू रखें, यहाँ पे y बराबर टू भी निकाले हैं तो r लगा देंगे यहाँ पे, r यानी या हो सकता है ये भी आ जाए। x बराबर छ माइनस वाई, तो यहाँ पे x बराबर छ माइनस चार बराबर दो, यानी x की जो वैल्यू यहाँ पे, सॉरी चार तो रख दिए, दो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो रखेंगे तो छ में से दो गया, यहाँ पे बच जाएगा आपका चार। तो x की वैल्यू कितना आ गई, फोर। ये दो कंडीशन बन रहे थे। और यहाँ पे हमने किसका किसका वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लिया और इसके बाद हमने z की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा, ठीक है। z की वैल्यू कितना आया आपका, जीरो आया है। तो इस तरह हमने x, y और z की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसी में थर्ड वाला है, ठीक है। तो थर्ड आपका जो है यहाँ पे है, ये यहाँ पे हमने लिख रखा है x प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड और इसमें नौ पाँच सात दिया, इसको हमें सॉल्व करना है। इधर आइए देखते हैं, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड वाला। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड है, फिर इसके बाद y प्लस जेड, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें दिया है नाइन फाइव सेवन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ देख रहे हैं, इसके बाद x प्लस जेड बराबर फाइव देख रहे हैं, इसके बाद वाई प्लस जेड बराबर सेवन देख रहे हैं, ये हो गया। अब इसी समीकरणों को हमें सॉल्व कर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो गाइस पहले जो समीकरण उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ ये दिखा हमें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यक्स की वैल्यू मान लीजिए निकालना है, तो इन दोनों को ये प्लस में तो इस पार कर देंगे तो माइनस में हो जाएंगे, नौ माइनस वाई और माइनस जेड, ये हो गया। अब देखिए दूसरे को सॉल्व करते हैं, दूसरा है एक्स प्लस जेड बराबर फाइव। अब यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ठीक है, ये जो समीकरण पहला है ये आपका यहाँ पे
पहले समीकरण से x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू रखने पर हमें x की जगह क्या रख सकते हैं, 9 माइनस वाई माइनस जेड। रखिए 9 माइनस वाई माइनस जेड और यहाँ पे है प्लस जेड, ठीक है। अभी इस प्लस जेड बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है, 9 माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड बराबर 5। अब यहाँ से जेड से जेड कट गया है, कटने के बाद बचा क्या, 9 माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू को फाइंड करते लेंगे। अब देखिए ये माइनस वाई है, इस पर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में बराबर वाई। और वाई की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई वो आई 4, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, एक चीज इसकी वाई की वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस जेड बराबर 7, ये आपका है थर्ड नंबर वाला। तो यहाँ से हमें y की भी वैल्यू निकल गई है और z की भी वैल्यू निकल गई है, z की नहीं निकली, ठीक है, y की भी वैल्यू केवल हम निकाले हैं। तो y की वैल्यू हमने कितना निकाला, 4 निकाला है। यहाँ पे y की वैल्यू कितना निकाला, 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस जेड बराबर 7। और जेड बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 7 माइनस 4, और जेड बराबर 7 में से 4 गया 3, तो जेड की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आ गई। अब जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यही था, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हमने देखिए निकाला है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू रख दें और z की वैल्यू रख दें, देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं, ये पहला नंबर था आपका। तो x बराबर है 9 माइनस वाई माइनस जेड, तो x बराबर 9 माइनस वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है y की वैल्यू 4 और माइनस जेड की वैल्यू कितना निकला 3। x बराबर आपका निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 माइनस 7, ठीक है, ये माइनस है, माइनस ऐड हो जाएंगे। तो x बराबर 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू 4 आ गया और z की वैल्यू 3 आ गया। तो ये रहा आपके आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि समीकरण यहाँ पे a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस 1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह है, केवल यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम राइट कर लेते हैं, समीकरण जो दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे। तो समीकरण हमारा जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, दूसरे कोष्टक में है माइनस 1 5 0 13, ये है। अब गाइस इस चीज में हमें पूछ रखा है कि a b c और D के वैल्यू को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। हम जैसा कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे a माइनस बी 2a प्लस सी और यहाँ पे 2a माइनस बी यहाँ पे 3c प्लस डी। अब दूसरे क्वेश्चन क्वेश्चन में है माइनस 1 5 0 13, ये है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम a माइनस बी बराबर कितना दिया है,
माइनस वन, इस चीज को लिख लेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका ए माइनस बी बराबर माइनस वन। इसके बाद है आपका टू ए, टू ए प्लस सी बराबर फाइव। इसके बाद यहाँ पे है आपका टू ए माइनस बी बराबर जीरो, टू ए माइनस बी बराबर जीरो। इसके बाद यहाँ पे है थ्री सी प्लस डी बराबर थर्टीन, ये चीज़ दिया है। इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा और इसको तीसरा और इसको चौथा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हम क्या करते हैं कि पहले वाले को साल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला जो दिया है वो दिया है ए माइनस बी बराबर माइनस वन। अगर यहाँ से ए की वैल्यू को हम फाइंड करें तो ए बराबर आपका हो जाएगा, ये माइनस बी में उस पर जाएगा तो प्लस में बी माइनस वन। और इसके बाद यहाँ से हम इसको साल्व करें, ठीक है। तो इसको साल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा, तीसरे को साल्व करें टू ए माइनस बी बराबर जीरो। अब ए की वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ से बी माइनस वन माइनस बी बराबर जीरो, तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई टू बी माइनस टू माइनस बी बराबर जीरो। और यहाँ से देखिए टू बी में से एक बी चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल b बचेगा, तो ये हो जाएगा b माइनस टू बराबर जीरो। अब यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आ गई टू, टू आ गई। तो यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो a बराबर आपका आ जाएगा b की वैल्यू कितना आ गई टू, तो टू माइनस वन, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी वन आ गई। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल लिए, अब हमें सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपका जो तीसरा है यहाँ पे, जो दूसरा है वह है टू ए प्लस सी बराबर फाइव, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, ए की वैल्यू हमें पता कितना है वन है, टू इंटू ए की जगह पे वन प्लस सी बराबर फाइव, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, टू का वन में, तो ये हो जाएगा टू प्लस सी बराबर फाइव। अब सी की वैल्यू को हम रख देंगे, सी की वैल्यू को निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा फाइव, और ये प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में टू, पाँच में से दो गया तीन, ठीक है। तो सी की जो वैल्यू है वो आ गया तीन। अब इसके बाद हमें डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से c प्लस डी बराबर तेरह दिया है, सॉरी थ्री सी प्लस डी बराबर तेरह, तो यहाँ से हम लिख देंगे ये चौथा के लिए थ्री सी प्लस डी बराबर थर्टीन। अब देखिए c की वैल्यू को हमने जानते हैं, ठीक है, तीन गुणित c की वैल्यू कितना निकल कर आई तीन, तो हो जाएगा तीन प्लस डी बराबर तेरह। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो तीन तरीके नौ प्लस डी बराबर तेरह। डी की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, डी बराबर तेरह और माइनस नौ, ये नौ इस पर चलाया जाएगा तो माइनस, तो तेरह में से नौ गया आपका बचा चार, तो डी की वैल्यू जो आ गई आपका फाइनली फोर आ गया, ठीक है गाइस। तो इसी तरह हमारा ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू जो आई है वह थ्री आई है और डी की वैल्यू फोर आई है। और आठवां नंबर आपका कह रहा है कि ए बराबर क्वेश्चन में दे रखा ए आई जे फिर एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, यदि मतलब कि यह एक वर्ग आव्यूह होंगे कब। देखिए ये क्या है, ये आपकी पंक्ति को दर्शाता है और ये स्तंभ को और ये पंक्ति को स्तंभ को। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये पंक्ति जो है स्तंभ, यानी कि पंक्ति छोटा हो किससे, स्तंभ से। यहाँ पे बता रहा है कि जब स्तंभ क्या हो, ये स्तंभ जो है वो छोटा हो किससे, पंक्ति से। और यहाँ पे बता रहा है कि पंक्ति बराबर हो स्तंभ के और या तो इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यदि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है तब जो आव्यूह होगा वो एक वर्ग आव्यूह कहा जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में कब, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो तब एक वर्ग आव्यूह बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। इसके बाद दे रखा है
कि एक्स तथा वाई की प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह को निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, वो होता है यदि दो आव्यूह बराबर हों, यानी कोई आव्यूह है, अगर दो आव्यूह बराबर है तब उनके जो संगत अवयव है वो भी बराबर होते हैं, यानी जो उनसे जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक्स वाई को प्राप्त करने के लिए अवयव को बराबर कर हम समीकरण को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर इस समीकरण को स्थापित कर उन्हें सरल भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स तथा वाई के मान के लिए युग्म समान होंगे, ये लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन दे रखा है, समीकरण वो दे रखा है आपका 3x+7 और 5y+1 2-3x, और दूसरे ब्रैकेट में जो दे रखा है वो दे रखा है आपका बराबर कर कर 0y-2 और उसके बाद 8, 4 ये दे रखा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि 3x+7=0 है, जिसको सॉल्व कर लेते हैं 3x+7=0 ये हो गया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, 3x-7 इसको इस पार पसांतर कर दिया और x की वैल्यू -7/3 ये निकल कर आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो ये पहला था और यहाँ पे 5 बराबर इसकी जगह क्या है y-2। अब यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालें तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, y की वैल्यू 7 निकल गई। फिर यहाँ पे दिया है कि यहाँ से y+1=8, तो यहाँ से y बराबर क्या निकल गया, 7 निकल गया। और इसके बाद यहाँ पे 2-3x 2-3x=4 दिया है हमें, तो यहाँ पे इस 2 को इस पार पर स्थानांतर कर देंगे, या तो हम क्या करेंगे इस 4 को इधर लाएंगे। ठीक है, 2-4=3x। अब इसके बाद 3x बराबर आपका आ जाएगा -2x-2/3। अब देखिए यहाँ पे x के दो मान आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहे हैं। दो मान आए लेकिन वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन चूंकि जो x की वैल्यू है वो एक समय में केवल एक मान हो सकता है, यहाँ पे x तथा y का मान प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यू है एक समय में केवल एक ही वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे x की एक समय में दो वैल्यू दी है, यहाँ -7/3 आ रहा है और यहाँ पे -2/3 है, तो ये क्या है, इसको मान को निकालना संभव नहीं है। तब ये लिख देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट है वो दे रखा है कि 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। देखिए यहाँ पे 3/3 का जो हमें कह रहा है, यानी जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि ऐसे आव्यूह बनाइए जो कि 3/3 का हो, 3×3 का हो। तो मान लेते हैं हम 1, 0, 0 इसके बाद 0, 1, 0 इसके बाद 0, 0, 1 ये हमने बना लिया, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 1, 0, 0 इस तरह। ठीक है, इस मतलब कि स्तंभ को हम पंक्ति बनाकर भी लिख सकते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद लिख सकते 0, 1, 0 इसके बाद लिख देंगे 0, 0, 1, यानी इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है गाइस, ये आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे 1, 0, 0 दिया, हम एक एग्जांपल और आपको दे दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब ये है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a11, a21, यानी इस स्तंभ को हम क्या बना रहे हैं, पंक्ति बना रहे हैं इनवर्स। ठीक है, a21 और a31 और यहाँ पे a12, a22,
A32 और यहाँ पे A13, A23, A33। तो हमने इसमें पूरे एलिमेंट्स कितने, ये 3x3 का है, ठीक है, यानी इसमें तीन स्तंभ है और तीन पंक्ति है। तो गाइस इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हो गए वो कितने हो गए, 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी 1, 2, 3, 3 के 3 6, 3 3 के 9। और इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, दो प्रकार से। तो 2 की पावर हम 9 लगा देंगे तो ये आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है 512, ठीक है। आप इसको आप सॉल्व कर देख सकते हो कि 2 को 9 बार करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल 512। ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के आल पे प्रेस करने से हमारे वीडियो सभी आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।